ये तो हम सब जानते हैं कि आज से कई साल पहले हमारी धरती पर डायनासोर्स रहा करते थे। वे दूसरे जानवरों का शिकार कर अपना जीवन चलाते थे और धरती पर उनका राज हुआ करता था। फिर एक दिन एक बड़ा एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी से टकराया और उनका सफाया हो गया। इसके बाद मैमल्स की उत्पत्ति हुई और साथ ही साथ मनुष्य जाति भी धरती पर आया। पर दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमारी धरती डायनासोर से भी पहले कैसी हुआ करती थी। इस वीडियो में हम जानेंगे अजीबोगरीब जीव, विशालकाय इंसेक्ट्स और डरावने आर्थ्रोपॉड्स के बारे में, जो कि डायनासोर से भी पहले इस धरती पर रहा करते थे। साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि इनका अस्तित्व धरती से कैसे खत्म हुआ। तो चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को बिना कोई समय गंवाए शुरू करते हैं और जानते हैं प्री हिस्टोरिक एरा के कुछ अजीबोगरीब जीवों के बारे में। ब्रोंटो स्कॉर्पियो। डायनासोर्स के पहले धरती पर आर्थ्रोपॉड्स का दौर था। कुछ आर्थ्रोपॉड्स तो आज भी धरती पर जीवित हैं, जैसे कि स्पाइडर्स, स्कॉर्पियंस, लोबस्टर्स और इंसेक्ट्स। हालांकि प्री हिस्टोरिक टाइम में पाए जाने वाले आर्थ्रोपॉड्स आज के समय से बिल्कुल अलग थे। वे विशालकाय हुआ करते थे। उदाहरण के लिए ब्रोंटो स्कॉर्पियो, अपने नाम की ही तरह ये काफ़ी बड़े थे। जहाँ आज के स्कॉर्पियंस की लंबाई सिर्फ 3 या 4 इंच की होती है, इनकी लंबाई 3 फीट या 1 मीटर के आसपास होती थी। और यदि गलती से कभी आपका सामना इनसे हो जाता तो ये बड़ी आसानी से आपकी जांघों या फिर हाथ पर वार कर सकते थे। इनके पास लंग्स के साथ साथ पानी में सर्वाइव करने के लिए गिल्स भी हुआ करते थे और ये कई घंटों तक पानी में रह सकते थे। इनके डंक का आकार एक छोटी लाइट बल्ब के बराबर का हुआ करता था। टेरिगोटस, आप इन्हें समुद्री स्कॉर्पियंस भी कह सकते हैं और ये ब्रोंटो स्कॉर्पियंस का शिकार किया करते थे। हालांकि ये ब्रोंटो स्कॉर्पियंस की तरह जहरीले नहीं होते थे, पर उन्हें बिना किसी समस्या के आसानी से खा सकते थे, क्योंकि इनकी लंबाई 11 फीट या फिर 3 मीटर तक होती थी। ये ज़्यादा बड़े और वजनदार होने की वजह से तेजी से शिकार नहीं कर पाते थे, बल्कि एक जगह छिपकर अपने शिकार का इंतज़ार किया करते थे और उसके पास आते ही अपने शक्तिशाली पंखों के नीचे उन्हें दबोच लिया करते थे। जायंट एंट्स, आज की तरह प्री हिस्टोरिक समय में भी इंसेक्ट्स हर जगह धरती पर पाए जाते थे, पर ये लोग आज के चींटियों की तरह बिल्कुल भी नहीं थे। डायनासोर्स के पहले प्री हिस्टोरिक लैंड पर रहने वाली चींटियाँ काफ़ी बड़ी हुआ करती थी। इनकी लंबाई 1 से 2 इंच तक होती थी। ये भले ही आपको सुनने में ज़्यादा बड़े ना लगें, पर ये हमेशा बड़े ग्रुप और कॉलोनी में ही रहा करते थे। इनके कॉलोनी के क्वीन के पास पंख हुआ करता था। वे एक हमिंग बर्ड के आकार की हुआ करती थी। कई सारे विद्वानों और रिसर्चर्स का मानना है कि इनमें से कई सारी चींटियाँ एसिड थूकने में सक्षम थी और वे एक साथ झुंड में बड़े से बड़े जानवरों का शिकार कर सकती थी। मेगान्यूरोप्सिस, ये हवा में उड़ने वाले आज तक के इतिहास में पाए गए सबसे बड़े इंसेक्ट्स हैं। दिखने में कुछ कुछ ड्रैगन फ्लाई जैसे हुआ करते थे, पर उनसे कई गुना ज़्यादा बड़े। इनके पंख 2.5 फीट तक लंबे होते थे और इनका वजन 450 ग्राम के लगभग था, जो कि एक बाज के आकार का हुआ करता था। ये काफ़ी ज़्यादा तेज और प्रभावी शिकारी माने जाते थे और इनके चंगुल से बचना लगभग नामुमकिन होता था। मेगान्यूरोप्सिस एक डॉग के आकार तक के जानवरों का शिकार करने में सक्षम थे। लेब्रिंथोडॉन्शिया, ये प्री हिस्टोरिक टाइम के पहले एम्फीबियन माने जाते हैं। इनके बिल्कुल अलग टीथ और एक मोटी बड़ी स्कल हुआ करती थी। ये दिखने में बिल्कुल आज के मगरमच्छ की तरह थे और कम गहरे पानी में नदी के किनारे ही रहा करते थे। इनके शक्तिशाली जबड़े की सहायता से ये एक बड़ी गाय के आकार के जानवरों को आसानी से खा सकते थे। आर्थ्रोप्लूरा, गोजर या मिलीपीड्स तो दिखने में डरावने लगते हैं, पर प्राचीन काल के दौर में ये मिलीपीड्स 40 गुना ज़्यादा बड़े हुआ करते थे। मतलब इनकी औसतन लंबाई 6.5 फीट के आसपास होती थी, जो कि एक एवरेज मनुष्य के लंबाई से भी ज़्यादा है, और इन्हें आर्थ्रोप्लूरा कहा जाता था। इनकी प्रजाति के सबसे बड़े गोजर की लंबाई 8 फीट रिकॉर्ड की गई है। ये ज़्यादातर हर्बीवोरस हुआ करते थे, यानी कि पेड़ पौधों पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहा करते थे। बायोडाइवर्सिटी,
डायनासोर्स के धरती पर आने के पहले इस पुराजीवी समय के दौरान दुनिया के सबसे ज्यादा बड़े दिलचस्प और अजीब जीव पाए गए। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होने की वजह से इन जानवरों को बड़ा आकार और ज्यादा ग्रोथ मिला और इस पुराजीवी समय में ही ब्रह्मांड के सबसे ज्यादा विविधता वाले जीव पाए गए। अब तक बताए गए जीवों के अलावा प्रीहिस्टोरिक टाइम में और भी सैकड़ों जीव पाए जाते थे, जैसे कि हेलिकैप्रियन, डंकलियोस्टियस और डेडली हाइनेरिया। इस पुराजीवी एरा में इतने सारे अलग अलग जीव होने के बावजूद आज एक भी जीव क्यों अस्तित्व में नहीं है? आखिर इनके साथ ऐसा क्या हुआ? जवाब है मीटियोर स्ट्राइक, जो कि आज से 250 मिलियन साल पहले पृथ्वी से टकराया था और यह इतिहास में होने वाला सबसे बड़ा एक्सटिंक्शन या विलुप्ति प्रक्रिया थी, जिसमें लगभग 90% जीवों की मृत्यु हो गई। यह प्रक्रिया तीन अलग अलग फेजेज में हुई थी, जिसमें मीटियोर स्ट्राइक, ज्वालामुखी का फटना और जलवायु परिवर्तन भी शामिल था। यदि यह प्राकृतिक तहस नहस तीन अलग अलग फेजेज में ना हुई होती तो शायद आज भी विशालकाय ड्रैगन फ्लाइज और चींटियों का अस्तित्व धरती पर होता और वे हमारे आसपास घूम रहे होते। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो यदि अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और आपको प्रीहिस्टोरिक एरा का कौन सा जीव सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और एक बार फिर से आपका कीमती समय देने के लिए शुक्रिया।